मक्खन लाल बिंद्रू, वो कश्मीरी पंडित जो कि अपना बिजनेस कश्मीर घाटी में चला रहे थे, जो 1990s में जब एक्सोडस हुआ कश्मीरी पंडित्स का, तब भी कश्मीर घाटी से कहीं नहीं गए। कल उनकी हत्या आतंकवादियों ने कर दी। शाम 7 बजे जब वो अपनी दुकान पर थे तब उनके ऊपर गोलियां चलाई गई और उसके चलते कल उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उनके घर पर पहुंचे इंदिरा नगर में, ताकि उनके परिवार को के साथ को कंडोलेंसेज ऑफर कर सकें। साथ ही में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जो बयान आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि मखनलाल बिंद्रू एक अपराइट मैन थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कश्मीर घाटी के लोगों की सेवा में बिताई। उन्होंने कश्मीर घाटी कभी नहीं छोड़ी, लेकिन दरिंदों ने उनका भी कत्ल कर दिया। उन्होंने हर दिन अपना लोगों की मदद करने में बिताया, गरीब लोगों की मदद करने में बिताया। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि वो वहाँ पर पॉलिटिक्स करने नहीं गए, लेकिन वो परिवार के साथ सांत्वनाएँ जताने के लिए गए हैं। कल की अगर बात की जाए तो कल कश्मीर घाटी में 3 सिविलियन किलिंग्स हुई, वो भी 1 घंटे के बीचों बीच। 3 लोग जिसमें से मखनलाल बिंद्रू एक, वो एक केमिस्ट की शॉप चलाते थे, उसके अलावा एक स्ट्रीट फूड वेंडर जो कि नॉन लोकल थे, और साथ ही में कैब ड्राइवर की हत्या कल आतंकवादियों ने की 3 अलग अलग इंसिडेंट्स में, लेकिन सब कुछ 1 ही घंटे के बीचों बीच हुआ। 70 वर्षीय मखनलाल बिंद्रू एक प्रोमिनेंट बिजनेसमैन थे कश्मीर घाटी के, जो कि अपनी बिंद्रू मेडिकेट फार्मेसी श्रीनगर के इकबाल पार्क में चलाते थे। जिस समय वो दुकान पर थे शाम के 7 बजे उनके ऊपर आतंकवादियों ने एक गोली चलाई। इमिजिएटली उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर कर दिया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर पहुंची, लेकिन अटैकर्स को पकड़ नहीं पाए क्योंकि अटैकर्स तब तक वहां से जा चुके थे। वहीं जो एरिया है उनके फार्मेसी के पास का, उसे सील कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन भी चल रहा था। वहीं अगर बात की जाए तो कंडोलेंसेस के मैसेजेस कल से ही आ रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी, और उसके अलावा जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने भी उनकी किलिंग को कंडेम किया है। लेकिन साथ ही में कल दोबारा और इंसिडेंट्स भी हुए। लाल बाज़ार में भी आतंकवादियों ने डाउनटाउन श्रीनगर में एक स्ट्रीट फूड वेंडर जो कि बिहार का रहने वाला था, यानी कि अपनी रेडी वहां पर लगाता था, जिसका नाम वीरेंद्र पासवान बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा, भागलपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान के ऊपर भी गोली चलाई गई। उनकी भी हत्या कर दी गई। और पिछले 4 दिनों में बताया जा रहा है कि दिस इज़ द 4th किलिंग। तीसरा अटैक हुआ बांडीपुरा में, जिस बांडीपुरा में भी एक सिविलियन जिनका नाम मोहम्मद शफी बताया जा रहा है, जो कि प्रेसिडेंट थे वहां के टैक्सी स्टैंड के, उनकी भी हत्या कल के दिन कर दी गई। तीनों अटैक साइट्स को कॉर्डन ऑफ भी किया गया। पुलिस भी छानबीन कर रही थी ताकि मालूम चल सके कि अटैकर्स कौन थे, लेकिन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने क्लेम किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन किलिंग्स के लिए। वहीं अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की, तो कल जहां पर उन्होंने परिवार के साथ सांत्वनाएं जताई और किलिंग को कंडेम किया, वहीं आज वो अपनी ट्वीट में लिखती हैं कि जो रीसेंट सिविलियन किलिंग्स हो रही हैं कश्मीर घाटी में, ये रीसेंट सिविलियन किलिंग्स ये बताती हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फेक नैरेटिव है कश्मीर घाटी को लेकर और कश्मीर घाटी में नॉर्मलसी को लेकर, उसके चिथड़े उड़ चुके हैं। साथ ही में ये भी कहा कि जो सरकार है वो बिल्कुल डिसेंसिटाइज हो चुकी है, ह्यूमन लाइफ्स को डिवैल्यूट कर दिया गया है, और साथ ही में जम्मू कश्मीर को फर्दर क्योस की स्थिति में धकेल दिया गया है अपनी रूथलेस पॉलिसीज़ की वजह से, और साथ ही में जो कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है सिक्योरिटी के नाम पर, यानी कि कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है लेकिन कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है, इस वजह से ऐसे देखने को मिलता है कि ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नैरेटिव पेश किया जा रहा है कि सब कुछ जम्मू कश्मीर में नॉर्मल है। जहां तक बात है मखनलाल बिंद्रू की, उनके परिवार का भी स्टेटमेंट आया है, उनकी बेटी ने भी मीडिया में बातचीत की है और वो वीडियो आप तक पहुँच भी गई होगी, लेकिन इस किलिंग को भी सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ पर मखनलाल बिंद्रू वो शख्स थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कश्मीर घाटी में लोगों की सेवा में बिताई, वहीं उनको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि वो उस समय भी कश्मीर घाटी में बने रहे जिस समय कई सारे कश्मीरी पंडित्स को कश्मीर घाटी छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी जो दरिंदे जो आतंकवादी थे उन्हें भी नहीं छोड़ा। कल ये जो 3 किलिंग्स हुई हैं इनकी कंडेमनेशन तो बहुत हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कड़े सवाल उठाता है सिक्योरिटी के ऊपर, सिक्योरिटी लैप्सेस के ऊपर, जिसकी वजह से पहले भी आप जानते हैं कश्मीर घाटी में कृष्णा ढाबा के ओनर के बेटे के ऊपर गोली चलाई गई थी, इसी तरीके से
दिन दहाड़े आतंकवादी आए और अनप्रिडिक्टेबल अटैक था, जिस अटैक में उनके ऊपर गोली चलाई गई और उस 22 वर्षीय व्यक्ति ने भी अपनी जान गंवा दी। ऐसे इंसिडेंट्स लगातार होते जा रहे हैं और कश्मीरी पंडित्स के ऊपर भी किलिंग, कश्मीरी पंडित्स की किलिंग्स भी जो है कश्मीर घाटी में कोई नई बात नहीं है। ऐसे इंसिडेंट्स रेगुलरली जब होते हैं उससे नतीजा ये निकलता है कि जो कश्मीरी पंडित परिवार इस समय कश्मीर घाटी में रह भी रहे हैं वो उनमें भी डर का माहौल पैदा हो जाता है। इसको लेकर एक सहाफ़ी ने ट्वीट पर भी कहा है कि मुझे कल से कश्मीर घाटी से कॉल्स आ रहे हैं, मुझे कल से वो कश्मीरी पंडित परिवार जो कि कश्मीर घाटी जाना चाहते हैं वहाँ से कॉल्स आ रहे हैं जो कि परेशान हैं। एक महिला है जो अपनी बच्चे को लेकर कश्मीर घाटी जाना चाहती थी लेकिन अभी वो ये सवाल पूछ रही हैं कि क्या वहाँ जाना सेफ़ है या नहीं सेफ़ है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो परिवार सालों से वहाँ रह रहे हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि क्या हमारा यहाँ पे रुकना अब सही है या नहीं है। इसके अलावा आपको याद होगा कि सरपंचस पंचस जो हैं उनमें भी कश्मीरी पंडित भी और अन्य पंचस सरपंचस के ऊपर भी आतंकवादी अटैक करते हैं और इसी तरीके के इंसिडेंट्स कश्मीर घाटी में लगातार होते जा रहे हैं। इसके चलते जो डर का माहौल बन चुका है उसी का सियासी फ़ायदा भी उठाए जा रहे हैं। कई सारे लोग जो हैं इसको लेकर भी ट्वीट कर रहे हैं लेकिन नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि इससे जो लोग कश्मीर घाटी जाना भी चाहते हैं, जो कश्मीरी पंडित की वापस से घर वापसी की बात करते हैं, वो लोग भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या घर वापसी सच में हो पाएगी, वो भी इस एटमॉस्फेयर में जहाँ पर इतने इस तरीके की अनसर्टनिटी का माहौल बना हुआ है, जहाँ कोई पता नहीं कि बंदूक कहाँ की गोली कहाँ से आएगी और कब आएगी और किसको अपना निशाना बनाएगी। अगर वो परिवार जो परिवार सालों से कश्मीर घाटी रह रहे हैं वो तक सेफ वहाँ पर महसूस नहीं कर पा रहे और वो लोग जो कि अपना बिजनेस कश्मीर घाटी में सालों से चलाते आ रहे हैं और जिन्होंने कश्मीर घाटी को उस समय भी नहीं छोड़ा जिस समय पीक मिलिटेंसी थी, अगर वो भी इस समय अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर पा रहे, अगर वो भी आतंकवादियों की गोली का निशाना है, तो आखिर आम आदमी जो अब आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके लिए एटमॉस्फेयर सेफ कैसे है? कई लोग ये भी अटकलें लगाते हैं कि ये जानबूझकर किया जा रहा है आतंकवादियों के द्वारा, ताकि जिस तरीके से हैवी इन्वेस्टमेंट की बात कश्मीर घाटी में की जा रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो क्लेम्स हैं कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को जो है बढ़ावा मिले, कश्मीर घाटी में भी इन्वेस्टमेंट हो, लोग अपना बिजनेस करने कश्मीर घाटी आएँ, उसे भी डिसवेड करने के लिए ये किया जा रहा है कि अलग अलग अटैक्स करके ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि वहाँ पर बिजनेस करना सेफ़ नहीं है, वहाँ पर कामकाज करना सेफ़ नहीं है, ये करने के भी हालात जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। लेकिन आखिर में खबर यही कि आज जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एमएल बिंद्रू के घर पहुँचे हैं, उनके घर उनके परिवार से मिलने के लिए। और वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी ये कहा है कि ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये साफ कर देता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो क्लेम्स कर रही है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है, ये क्लेम सच्चे नहीं हैं।